नमस्कार सभी को, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका नेहा एडुकेटर चैनल पर। तो होपफुली आपकी सभी की तैयारी जो है एनटीटी के लिए काफ़ी अच्छी चल रही होगी, चाहे आप चंडीगढ़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे दिल्ली के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी, जो आपका कोर्स है जो इस चैनल पर आ रहा है, हालाँकि अभी पूरे जो सिलेबस आई मीन जो पूरे सब्जेक्ट है उनके सारे वीडियोज़ आपको एक दिन में नहीं देखने को मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम लग रहा है। आई थिंक आपको जो है इस मंथ के एंड में, मतलब 1 अक्टूबर से आपको जो सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ हैं वो एक दिन में मिलने लग जाएंगे। अभी जो है अलग अलग मिल रहे हैं, कभी आपको 2 मिल रहा है, कभी 3 वीडियोज़ मिलते हैं। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके जो सिलेबस है आपका, आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट सिलेबस पहले तो एक ये है जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट में DSSS में आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी भी होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड भी होगा, ये मेथड सारे चीज़ें होंगी उसका। तो आपका अक्टूबर में आई थिंक मे बी 20 अक्टूबर तक की बात कर सकते हैं, तो उसमें आपका जो ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा चाइल्ड साइकोलॉजी का, और हो सकता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ टॉपिक्स हो जाएंगे। तो उसके लिए जो वीडियोस है वो आने स्टार्ट हो गए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। इसके अलावा हिंदी के सभी के जो वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे मैथ्स। तो अभी तक मैंने मैथ्स के लिए आपके कोई भी अभी तक वीडियो नहीं बनाया था, हालांकि मैंने कुछ ओवरव्यू भी जो है दिया था। तो आज हम देखेंगे कि आपको मैथ्स को है जो किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आप मैथ्स के लिए किसी के भरोसे ना रहे, आप भरोसे रहना है आपको मैथ्स के लिए अपनी प्रैक्टिस पर। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर। चाहे वो एक टॉपिक हो चाहे 2 टॉपिक हो, आपको पूरी तरीके से उसको प्रैक्टिस करके अच्छे से कर लेना है कि बस आपको क्वेश्चन देखते ही जो है आंसर आ जाए, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो आज हम देखने वाले हैं कि बेस, हर चीज़ का बेस होता है। तो हम देखेंगे, मैं आपको कुछ पहले 4 से 5 क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका अगर आप आंसर देते हैं, अगर 5 क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ तो आपको 5 के 5 अगर आंसर जो है आ रहे हैं, मतलब आपका जो स्कोर है 5 out of 5 है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है बेस पता है, मतलब मैथ्स के ABCD जो है आपको पता है। इसका मतलब आप अच्छे से जो है मैथ्स अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप 6 क्लास से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से भी आपको प्रिपेयर करना हो। तो इम्पॉर्टेंट एक ये है कि आपको जो है मैथ्स के अंदर देखो जो टीचिंग में भी जो प्राइमरी और नर्सरी तक होता है, आपको नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए, आपको LCM HCF ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से आने चाहिए, और जो मेंसुरेशन का पार्ट है आपके वो जो है ये रेक्टेंगल और जो स्क्वायर है ये आपको अच्छे से आने चाहिए, साथ में आपको जो परसेंटेज है वो भी आनी चाहिए, आपको प्रॉफिट लॉस है वो भी आना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्थमेटिक के जो आपको आने चाहिए, ठीक है। तो आपको मेनली जो पूछी जाती है उसमें अर्थमेटिक पूछी जाती है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि आप 5 out of 5 स्कोर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें सबसे छोटी आपको अभाज्य संख्या बतानी है। तो आप पहले देखिए कि ये जो है इधर ऑप्शंस हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, इसको अपने देखिए जो आगे लिखा हुआ है इनके आगे वो है ऑप्शन में, ठीक है। तो सबसे छोटी आपको अभाज्य संख्या बतानी है, 3 है 1 है 5 है फिर 0 है। तो इसमें आप एक 0 की जगह आप लिखिए 2, ठीक है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या इनमें से है, 3 है 1 है 5 है या फिर 2 है। सबसे छोटी आपका अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आपको बताना है, सबसे छोटा कौन सा है। अगर आप बता रहे हैं 3 या फिर 2 में से कोई आपका आंसर है, तो आप मैं बताना चाहूँगी जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो होता है वो 2 होता है, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, और साथ में जो एक ऐसा सिंगल आपको ये नंबर मिलेगा ऐसी जो कि इवन है, ओनली जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें एक ही 2 जो है, ये 2 जो है ओनली सिंगल नंबर है जो कि इवन है और साथ में क्या है प्राइम भी है, ये भी आप साथ में ध्यान रखें। ये भी पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी जो है सम संख्या है जो कि प्राइम नंबर है, तो वो क्या, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2। और अगर पूछ ले सबसे छोटी संख्या विषम है जो कि प्राइम नंबर है, अगर विषम अभाज्य संख्या पूछे तो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है और सम 2 होती है, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपका कॉन्सेप्ट ये नहीं पता कि आपको प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो डिवाइड होते हैं वो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ 7,
सेवन क्या मैं टू से डिवाइड कर सकती हूँ, जिसमें कोई भी आपको रिमाइंडर है वो नहीं बचे, ठीक है, वो आपको बताना है। तो नहीं, सेवन का जो अगर मैं डिवाइड करूँगी तो खाली सेवन से कर सकती हूँ या फिर वन से कर सकती हूँ। इसका मतलब है सेवन जो है एक प्राइम नंबर है, एक फाइव है, फाइव भी एक प्राइम नंबर है। इस तरीके से मतलब जिसमें जो अपन भाग दे सकते हैं खाली उसी संख्या का, और या फिर एक का जिसमें भाग दिया जा सकता है पूरी तरीके से, वो क्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। और एक जो है वो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटी सम संख्या जो अभाज्य है वो है दो है, चाहे से पूरी तरीके से छोटी भी जो है वो दो ही है, और विषम होकर भी अभाज्य है वो है तीन, सबसे छोटी। अब नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी जो है सम संख्या नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी इनमें सम संख्या नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा इवन नंबर्स का तो आप बता देंगे, सिक्स है, एट है, नाइन है या फिर टू है। तो जिसमें जो नाइन है वो क्या है, एक ऑड नंबर है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो नाइन हो जाएगा। अब मैं बता दे रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट की क्या है इसका, इवन नंबर का। इवन नंबर जिसमें कि दो का भाग चला जाए वो क्या होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है, जिसमें दो का भाग चला जाए, जैसे वो सिक्स हो, एट हो, टेन हो, जिनमें भी दो का भाग जाता है वो क्या होती है, इवन नंबर होता है, ठीक है। साथ में खुद का तो जाता ही है, ये बात आपको ध्यान रखना है। जिसमें दो का भाग चला जाता है वो क्या होती है, इवन नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट है कि इनमें से आपको बताना है कि ऑड नंबर कौन सा है इसमें, ठीक है, नहीं है, ठीक है, ये बताना आपको। पाँच है, नौ है, ग्यारह है या फिर दस है। तो यहाँ पर जो टेन है वो क्या है, एक इवन नंबर है, मतलब विषम संख्या है जिसमें दो का भाग जाता है, तो ये क्या है, एक विषम संख्या नहीं है। जबकि ग्यारह एक विषम संख्या है, नौ विषम संख्या है, दो वि एक सॉरी पाँच जो है एक विषम संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सी एक जो है प्राकृत संख्या नहीं है, दो, सत्रह, जीरो, फिर ग्यारह, फिर ग्यारह। तो जीरो जो है वो क्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो एक से स्टार्ट होते हैं, ध्यान रखना, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो एक से स्टार्ट होते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जीरो क्या है, इससे जीरो से मैं बताने से पहले एक क्वेश्चन आया वो भी कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीरो किस में काउंट करेंगे हम। अब है कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, आपको बताना है कि कौन सी जो है पूर्ण संख्या, होल नंबर जो है नहीं है। फाइव जी माइनस फाइव है ये, ठीक है, माइनस फाइव, जीरो, सेवन, ट्वेंटी, कौन सी जो है होल नंबर नहीं है। तो माइनस फाइव जो है वो होल नंबर नहीं है, माइनस फाइव और प्लस फाइव ये सारी जो डिजिट हैं, जो जिसमें माइनस भी आता है, प्लस भी आता है, जीरो भी आता है, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पूर्णांक होते हैं। तो ये क्या है, एक पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या जैसे पहले अगर आपने देखा कि दो, एक दो तीन से स्टार्ट हो गई, ये क्या हो गई, नेचुरल नंबर्स हो गए। अगर मैं इसमें जीरो भी ऐड कर देती हूँ तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। होल नंबर्स कहाँ से काउंट करेंगे, जीरो से करेंगे, और जो नेचुरल नंबर्स है वो कहाँ से काउंट करेंगे, वन से काउंट करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। और जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, उनमें माइनस वाले भी काउंट किए जाते हैं और प्लस वाले भी, ठीक है। तो ये था इम्पॉर्टेंट आपका सेशन, जिसमें आपको पता चल गया होगा कि इनकी कितनी किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और हालांकि आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आपको आगे इसमें पढ़ना है मैथ्स के अंदर, तो ये आपके मजबूत नहीं होंगे इस तरह के कॉन्सेप्ट, तो आप आगे जो है मैथ्स में स्कोर ठीक से नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपका जो भी स्कोर रहा है फाइव में से, तो आप वो ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आपको जो सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है, स्टार्ट करनी है, वो किसकी करनी है, इन नंबर्स की, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि कौन कौन से नंबर किस में आते हैं, हालांकि काफ़ी तो मैंने बता दी, एक दो जो बच गए हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एक होता है जो ये नंबर्स होते हैं आप इनको दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, कि एक तो होता है क्या, रियल नंबर्स, एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, मतलब काल्पनिक या फिर अवास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। तो वास्तविक संख्या में हम एक, दो, तीन जो भी हैं, ये सारे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो जीरो हो, ये सारे किस में होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। चाहे वो किस में हो, ये भिन्न में होगी, फ्रैक्शन में होगी, तो भी वो किस में होगी, एक वास्तविक संख्याएं होंगी। जो अवास्तविक संख्याएं होंगी वो किस तरीके से होंगी, ऐसे जैसे माइनस रूट सेवन, माइनस रूट थ्री,
माइनस रूट वन, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये किस तरीके के नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स हैं, मतलब ऊपर रूट भी लगा हुआ है लेकिन अंदर भी क्या है, एक ऋणात्मक चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या होती है, इमेजिनरी नंबर्स है। तो आपको इनको ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए, इस तरीके का आपको दिया जाए जिसमें आपको रूट दिया हो साथ में अंदर जो है माइनस का भी हो, तो उसको क्या कहेंगे अपन, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब देखते हैं जो रियल नंबर्स, जैसे मैंने उदाहरण दिए, जो भी रियल में आपको देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, सॉरी रियल नंबर, जैसे आपको फ्रैक्शन में मिल रहे हो, चाहे 1, 2, 3, 4, 5 जीरो मिल रहा हो, माइनस में मिल रहे हो, ये क्या होते हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और होता है सम विषम का, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, इसके अलावा अभाज्य संख्या का मैंने बता दिया है। अब देखते हैं कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक का हालांकि मैंने इंटीजर्स का बता दिया है, फिर भी आप देख लीजिए एक बार और, जो पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक में हम जीरो भी ऐड करते हैं और इधर माइनस वाले भी ऐड करते हैं और इधर प्लस वाले भी ऐड करते हैं, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। हालांकि मैं आपको ये टॉपिक जो है बोर्ड पर करवाने वाली थी लेकिन जो है कैमरा सेट नहीं हुआ, तो इस वजह से मुझे स्क्रीन पे ही करवाना हो रहा है, लेकिन आगे के जो मैथ्स के और जो इस तरीके के जो वीडियोस होंगे तो मैं आपको ज़रूर जो है पूरा बोर्ड पर समझाऊँगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वही जो है माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, जीरो भी होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है होल नंबर्स होते हैं वो माइनस में नहीं होते हैं, होल नंबर्स माइनस में नहीं होते हैं, होल नंबर्स तब बनते हैं जब हम नेचुरल नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं उनमें जीरो अगर और ऐड कर देते हैं वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि होल नंबर में अपन जीरो को काउंट करते हैं, ठीक है, होल नंबर में हम जीरो को काउंट करते हैं, ये आपका क्लियर हो गया होगा अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई है तो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीधा, ये बहुत हाई लेवल की जो एग्जाम्स होती है उनमें भी पूछा जाता है कि जो है सह अभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम नंबर जो है क्या होता है, को प्राइम नंबर आपको बहुत पता होना चाहिए, इसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे है ना 13 और 7, 13 और 7 का अगर मैं एचसीएफ लूँ तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 1 ही ऐसी जो है आपको संख्या मिल रही है जो कि 13 को भी डिवाइड कर देती और 7 को भी। आपको सबसे पहले एचसीएफ जो है वो पता होना चाहिए कि वो छोटी से छोटी संख्या जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। जैसे हम देखते हैं 10 और आपको देखना है 5 में जो है इसका क्या होगा एचसीएफ, तो सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो इसका जो एचसीएफ बन जाएगा क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है, जबकि इसका एलसीएम जो है वो 10 ही रहेगा। हालांकि एचसीएफ और एलसीएम के काफ़ी सारे जो जिस तरीके के टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन को प्राइम नंबर आप यहीं से देख लीजिए, जिनका जो है एचसीएफ जो है 1 आता है वो क्या होता है, को प्राइम नंबर्स, जैसे 7, 13 हो गए, ठीक है, या फिर हो गया 2, 5 हो गया, ठीक है, या फिर 16, 17, इनका क्या है जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि 16, 17 या फिर 2, 4, तो 2, 4 आपको हटा देना है, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि 2, 4 का तो अगर आप एचसीएफ लेने जाएंगे तो आपको 2 दिख गया है, क्योंकि छोटे से छोटा जिसको 2 को भी डिवाइड कर रहा है और 4 को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको को प्राइम नंबर का भी कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये कॉन्सेप्ट है। अब आपको मैं एक जो एक एक पूछा जाता है कि इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स जो परिमेय संख्याएं होती है उनको देखा जाता है, तो परिमेय संख्याएं आप ले सकते हैं जैसे 3/2, 1/2, ये क्या है, परिमेय संख्याएं हैं रेशनल नंबर्स। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा जो ये एक बटे में जो संख्या होती है, डिनोमिनेटर जो होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी है, अगर जीरो के बराबर हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर जीरो का जीरो को किसी से भी डिवाइड करते हैं मतलब किसी का भी जो है इस तरीके समझिए, जैसे मुझे है ना अगर 5 में अगर जीरो का भाग देती हूँ तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 का भाग अगर 0 में दूंगी तो ये 0 आएगा, ये बात आप जरूर ध्यान रख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं
जीरो का भाग अगर 5 में दूंगी तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, ठीक है। इन्फिनिटी का साइन लिया है मैंने इस तरीके से, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पी बाई क्यू की फॉर्म में जो है इसमें होता है ये रेशनल नंबर्स, लेकिन क्यू इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर्स। तो इसमें कुछ भी हो सकता है, 7/3, 7/2, इस तरीके से, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जो अपरिमेय संख्या है क्या हो सकती है। अपरिमेय संख्या है जो रूट वाली संख्या होती है, जैसे √2, √5, √10, ये क्या है, इरेशनल नंबर्स है। क्या है, इरेशनल नंबर्स है। तो आपने नोट कर लिया होगा ये। तो ये भी जो भी इंपॉर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आप नोट कर लीजिए। अब आप नोट करने के बाद भी आप उनको तभी अपने दिमाग में रख पाएंगे जब आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, तो आप किसी भी बुक में जो आपको बुक मिल जाएगी, जो आप स्कूल के कोई भी बच्चे हैं उनमें आप बुक देख सकते हैं उनकी, चाहे 6th की 5th की, तो मैं आपको अच्छे से जो है वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी आप बुक ले सकते हैं, हालांकि जो मैं इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपको एनटीटी से रिलेटेड वो आपको मैं जल्दी बताने वाली हूँ, एक दो में वीडियो आ जाएगा, तो आप उनको भी देख सकते हैं, खरीद सकते हैं आपके पास में है तो, या फिर ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो वो भी मैं जल्दी ही वीडियो जो है लाने वाली हूँ। तो आप बताइए कि आपको जो है मैथ्स का ये सेशन है वो कैसा लगा, और जो आगे वाले आने वाले वीडियोस हैं वो भी इसी तरीके से। हालांकि ये थोड़ा वीडियो मैंने बहुत ओवरव्यू में बताया, फिर भी मैंने पूरा जो टॉपिक था वो डिस्कस कर लिया है, जिस तरीके के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आगे जो वीडियोस आएंगी मैथ्स की और रीजनिंग की, वो मैं आपको अच्छे से बोर्ड पर समझाऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल जाए। और कोई भी क्वेरी हो तो इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं, इट इज़ नेहा30@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।